नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आप नया मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम हमारे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट करने के काफ़ी सारे फायदे हैं। यदि आप व्हील अलाइनमेंट करवाते हो तो आपका जो टायर एक साइड से घिसता है, बेसिकली आप व्हील अलाइनमेंट नहीं करवाते तो टायर क्या होता है, एक साइड से घिसता है और दूसरे साइड से कम घिसता है, जो ग्रिप्स होते हैं उससे होता क्या है, आपके टायर फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पंचर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यदि व्हील अलाइनमेंट आपकी आउट रहेगी तो बेसिकली आपके जो सस्पेंशन होते हैं उस पर भी काफ़ी सारा असर हो सकता है। सो इन चीज़ों को बचने के लिए आपको जो व्हील अलाइनमेंट है समय पे करना जरूरी है। अब एक सवाल ये भी आता है कि कितने किलोमीटर पर हमें व्हील अलाइनमेंट चेक करवाना चाहिए या फिर व्हील बैलेंसिंग करवाना चाहिए। तो दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट समय है 5000 किलोमीटर, मीन्स हर 5000 किलोमीटर पे आपको व्हील अलाइनमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके फायदे इसके नुकसान जो है मैंने आपको बताया। और यदि आप ये करवाते हैं तो आपको काफ़ी सारे फायदे होंगे, आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी, टायर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, टायर्स की लाइफ बढ़ेगी और टायर आपके जल्दी ख़राब नहीं होंगे। यही चीज़ें थी। तो आपको समय पे व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि व्हील बैलेंसिंग किस तरह से होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।